हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीकेसी में MMRDA मैदान से शुरू की गई परियोजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार दुनिया भारत के काम पर ध्यान दे रही है। उन्होंने दो नई मेट्रो लाइन और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें सड़क निर्माण, सीवेज उपचार संयंत्र और पीएम स्वनिधि योजना शामिल है। लगभग 38,800 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और दो मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाया है, जबकि मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A अंधेरी और पश्चिम दहिसर के बीच चलेगी। लाइन 7 अंधेरी पूर्व और दहिसर के बीच चलेगी। पीएम मुंबई एक मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई एक का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका उपयोग मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर UPI के साथ टिकट खरीदने के लिए किया जा सकता है। ये दोनों मेट्रो लाइन 20 जनवरी से जनता के लिए खुल जाएंगी। ये दोनों मेट्रो लाइन लिंक रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से होकर गुजरती है और उम्मीद है कि इन प्रमुख सड़कों से यातायात कम होगा और साथ ही मौजूदा उपनगरीय लोकल ट्रेन में भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।